हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम आपको बताने वाले हैं अपने कोबी के पल्ली के बारे में। ये बंदा कोबी का पल्ली हम गिराए हुए हैं। इसमें कुछ फूल भी है और कुछ बंदा भी है। पत्ता गोभी यानी कि फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों का हमने नर्सरी किया हुआ है, जिसका नर्सरी यानी कि अभी तो ये ट्रांसप्लांट के लायक हो गया है। इसका अब यानी कि खेत में लगाने लायक नर्सरी हो गया है। तो इसका हम वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं कि देखिए कितना मस्त ये नर्सरी तैयार हुआ है। इसका जो नर्सरी जब हम गिराए थे उसका वीडियो पहले हम अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से जाके देख सकते हैं कि हम किस प्रकार बेड तैयार किए थे, बीज किस प्रकार डाले थे। उसका सारा वीडियो इस लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो आप ये जो वीडियो हम आपको दिखाना चाह रहे थे, यही दिखाना चाह रहे थे कि हमारा जो नर्सरी हम लगाए थे वो नर्सरी किस प्रकार का हुआ है और कितना स्वस्थ पौधा है। तो मेहनत रंग लाता है, यानी कि मेहनत जिस प्रकार का कीजिएगा उस प्रकार का तो पौधा होगा। जिस प्रकार हम मेहनत किए थे उसका, ये नर्सरी में थोड़ी मेहनत ज़्यादा किए थे। अभी तो देखिए इसमें कुछ घास आ चुके हैं इस नर्सरी में, लेकिन घास अभी निकालने से फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अब तो पौधा ही यहाँ से निकाला जाएगा। तो पौधा ही निकाल लेंगे तो घास तो रहने देंगे, क्या दिक्कत है। देखिए आपको घास दिख रहा होगा, लेकिन ये पौधा देखिए कितना स्वस्थ पौधा है और कितना अच्छा है, जिसको ट्रांसप्लांट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। एक होता है गिर जाता है, उसकी जड़ें इधर उधर हो जाती हैं, तो पौधे को ट्रांसप्लांट के निकालने में बड़ी दिक्कत होती है, टूट जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, देखिए पूरा पौधा सीधा सीधा है, एक भी प्रॉब्लम नहीं है कि इधर उधर गिरा पड़ा पौधा, वैसा कुछ नहीं है। देखिए आपको आपको एकदम क्लीन क्लीन दिखा रहे हैं, देखिए कितना स्वस्थ पौधा है। तो एक भी पौधे में खराबी नहीं मिलेगी, आप देख पा रही होंगे। देखिए कितना अच्छा पौधा आपको दिख रहा है, देखिए एक नहीं सारे बेड पे वही है। देखिए आपको एक एक बारीकी से हम दिखा रहे हैं, देखिए है सारा का सारा पौधा एकदम स्वस्थ दिख रहा है। अब जिस तरफ भी देखेंगे सारा पौधा आपको स्वस्थ दिखेगा, क्योंकि इसका जो नर्सरी हम किए थे कुछ मेहनत लगा था नर्सरी करने में, क्योंकि लाइनिंग में ये सारा पौधा गिरा हुआ है। वो बिच्चा छींट के ऊपर से मिट्टी नहीं डाले हुए हैं, ये लाइनिंग में सारा पौधा डाले हुए हैं, एक एक बीज करके गिराए थे इसका। देखिए कितना स्वस्थ पौधा आपको दिख रहा है, देखिए जो भी पौधा है वह एकदम सॉलिड एक्यूरेट पौधा है। देखिए दिख रहा है ना आपको, एक एक पौधा हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यही बात होती है, थोड़ी मेहनत कीजिएगा तो मेहनत तो कुछ खास रंग देगा ही। आप जिस प्रकार, एक होता है कि नहीं तो बहुत ज़्यादा पौधा गिराना है तो बस बीज छींट दिए, उस पर मिट्टी छींट दिए और प्लांट हो गया। तो उसमें होता क्या, दो तीन पौधा एक जो हो जाता है तो उतना मज़ेदार पौधा नहीं होता है। देखिए लाइनिंग में जो है, लाइनिंग में यही कारण होता है कि पौधे से पौधे की दूरी समान होती है, उसी प्रकार लाइन से लाइन की दूरी है, एक कतार में होती है। तो घास निकालने में सबसे बड़ा फायदा होता है कि जो भी घास उगते हैं उस नर्सरी के पौधे में, वो घास हम निकाल देते हैं तो पौधा स्वस्थ हो जाता है। देखिए अभी कुछ कुछ घास हुए हैं, पहले का जो भी घास था हम इसमें निकाल दिए हैं, इसलिए आपको पौधा पूरा सिर्फ गोभी का पौधा ही दिख रहा होगा। कहीं कहीं घास दिख रहा है, वो घास अब हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो घास तो छोटा है। दूसरी इसे हम पौधा ही निकाल लेंगे तो घास निकालने से क्या फ़ायदा है। वही आपको दिखाना चाह रहे थे कि हम जो नर्सरी तैयार किए हैं उसका ये पौधा जो आपको कितना सुंदर दिख रहा होगा। ये पौधा जो भी है, आप पौधे को देखिए कितना सुंदर पौधा आपको दिख रहा होगा। आप ये पौधे देख रहे हैं, लेकिन हम आपको बार बार दिखा रहे हैं कि पौधा पौधे पे देखिए, मिट्टी पे नजर नहीं, पौधा देखिए। पौधा आपको कितना, पौधा जितना स्वस्थ रहेगा ट्रांसप्लांट करने के बाद, वो जो पेड़ बनेगा वह भी उतना ही स्वस्थ रहेगा। क्योंकि अगर नर्सरी आपका अच्छा नहीं रहेगा तो वो बड़ा पौधा बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। अगर नर्सरी का पौधा आपका मजबूत है तो खेत में जो लगाइएगा वो बड़ा होने में स्वस्थ ही स्वस्थ हर वक्त रहेगा। पूरा एकदम पतला दुबला पौधा लगाइएगा खेत में, तब तो वो तैयार होने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जब भी ट्रांसप्लांट के लिए पौधा मजबूत हो जाए तो ही निकालें। आपको ट्रांसप्लांट करने का भी वीडियो हम अपलोड करेंगे। तब तक ही आपको हम नर्सरी दिखा रहे थे कि नर्सरी देखिए, हम जो नर्सरी तैयार किए हैं वो कितना स्वस्थ है। अगर आपको नर्सरी अच्छा लग रहा होगा देखने में, पौधे स्वस्थ दिख रहे होंगे, तो
हमारे द्वारा दी गई जानकारी जो आपको अच्छी लगे, तो आप भी शायद इसी प्रकार आपके जो भी किसान भाई हैं उनको ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी इसी तरह अपना नर्सरी तैयार करें। क्योंकि नर्सरी तैयार करने में अच्छी खासी टाइमिंग लगती है। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए आज का वीडियो बस इतना ही पे हम समाप्त करना चाह रहे हैं। तो हमारे द्वारा दिया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, तथा अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले नए वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे।